खुसरो रैन सुहाग की। श्रोता प्रस्तुत है इस धारावाहिक की सातवीं कड़ी। खुसरो रैन सुहाग की। इस धारावाहिक की पिछली कड़ी में आप सुन चुके हैं कि खुसरो अपनी माँ को अपनी बनाई हुई पहेलियां सुनाकर उनका दिल बहलाते हैं, लेकिन खुसरो की माँ दौलतनाज को ये बात पसंद नहीं कि खुसरो सारी रात जागकर शायरी और संगीत की दुनिया में खोए रहे हैं, अपनी बीबी को अकेला छोड़ दें। वो ये भी कहती हैं कि अब खुसरो को सुल्तान की नौकरी कर लेनी चाहिए। इधर खुसरो के कलाम लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे। खुसरो की बीवी बानो भी संगीत में दिलचस्पी रखती। खुसरो के नाना इमादुल मुल्क बहुत बीमार हैं। वो खुसरो से पीरो मुर्शिद की शान में कुछ सुनाने के लिए कहते हैं और खुसरो उनकी ये आरजू पूरी भी करते हैं। अब आगे बैठ जाओ खुसरो। शुक्रिया हुजूर। शुक्र करो। इमादुल मुल्क 111 साल की उम्र में दुनिया से गए। जी हुजूर। मुझे भी और तुम्हें भी इस अबदी सफर पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह जब चाहेगा अपने पास बुला लेगा। तुम उदास हो, हम जानते हैं। इमादुल मुल्क ने दौलत और जागीर नहीं छोड़ी है। अल्लाह इंतजाम करने वाला है, फिक्र ना करो खुसरो। खुसरो तो सिर्फ हुजूर की दुआओं का तालिब है। हुजूर ही रहनुमाई फरमाएं, ये बंदाए आजिज अब क्या करे हुजूर। सुल्तान कैकबाद का दरबार तुम्हारे लायक नहीं खुसरो, हालांकि वो तुम्हारी आमद का मुंतजिर है। ओधा भी देगा और मालो दौलत भी। तुम फिक्र ना करो खुसरो, अल्लाह मदद करेगा। जी हुजूर।
नवाजिश। आज हमें एहसास हुआ अगर गाकर कलाम सुनाया जाए तो कलाम की तासीर और बढ़ जाती है। शुक्रिया हुजूर। गजल सुनाने का ये नया तरीका पसंद आया। हुजूर ने नई तर्ज अदा को पसंद फरमाकर खादिम का हौसला और बुलंद कर दिया है। मुद्दतों से हमारी ख्वाहिश थी कि खुसरो हमारी महफिल की जीनत बने, आज ये तमन्ना भी पूरी हो गई। तुम इमादुल मुल्क के नवासे हो, आदावे शाही से वाकिफ हो, अगर तुम हमारे नदी में खास बनना पसंद करो तो हमें खुशी होगी। खादिम हुजूर के हुक्म को दिलो जान से कबूल करता है। ख्वाजा अब क्या होगा, सारे कलंदर चुपचाप पड़े हैं, मस्तानियां भी कुछ नहीं बोलती। और ख्वाजा छम्मों का तो बुरा हाल है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, आंखें बंद किए बैठी रहती है पेड़ से टेक लगाए, या फिर अमीर का गीत गाती रहती है। जब से अमीर गए सब सूना हो गया ख्वाजा। सच कहते हो, खुसरो की जाते ही सब सूना हो गया, हर तरफ खामोशी, खानका शहरी खामोशा बन गई है, लगता है चारों तरफ कब्रे ही कब्रे, हु का आलम है हर तरफ। आओ आओ छम्मू आओ।
करीब आओ हमारे। खुसरो क्या गए, सब ने हमारे पास आना ही छोड़ दिया। कलंदरों के हलके की आवाज आती थी, अल्लाहु अल्लाहु, अब वो भी नहीं आती। छम्मू छम्मू, सब्र करो छम्मू, सब्र करो। नहीं होता सब्र, नहीं होता, क्या करें हम? अमीर को बुला दो ख्वाजा, सब सुना हो गया। अल्लाह गारत करे साजादे को, बंगाल ले गया हमारे अमीर को। बुरी बात है छम्मू, बुरी बात है। अल्लाह के बंदों के लिए बद्दुआ नहीं करती। तो फिर और क्या कहते हैं? शहजादा खुद नहीं गया, सुल्तान के हुक्म पर तुगरल की बगावत दबाने गया है, और आजकल में सुल्तान भी जाने वाला है। हमने खुसरो को बुलाने के लिए खत लिख दिया है, हमें यकीन है बगावत खत्म हो जाएगी और खुसरो सुल्तान की फौज के साथ दिल्ली वापस आ जाएंगे। तुम लोगों के खाना न खाने से हम बहुत बेचैन हैं, खाना खाओ वरना हम आकर खिलाएंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जाओ सब नमाज पढ़ो। पचवा, तू इतनी दूर ना जाया कर बेटे, तेरे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। माँ, ये दौलत हमें नहीं चाहिए। जानता हूँ, जानता हूँ, तेरे कदमों के नीचे हमारी जन्नत है माँ। मैं कब दूर रहना चाहता हूँ तुझसे माँ, तुम्हें तो मालूम होगा माँ, दरबार की नौकरी कैसी होती है। शाहों और शहजादों के रहम करम पर जिंदगी गुजारना पड़ती है माँ, यहां तक कि ना अपनी मर्जी से जी सकते हैं और ना मर सकते हैं माँ। बेटा, इज्जत भी मिलती है और दौलत भी, लेकिन आजादी नहीं। शहजादे की बड़ी मेहरबानियां थी हम पर, लेकिन खुश होने वाली ना माँ थी और ना दुआएं देने वाले पीरो मुर्शिद। फिर कैसे मिली तुझे इजाजत आने की? बुगरा खां पीरो मुर्शिद का अकीदत मंद है माँ, उनका खत पाते ही जाने की इजाजत दे दी। जा, दुल्हन और बच्चों से भी मिल ले जाकर। जी माँ।
पीरू मुर्शिद आ गए तुम खुसरो जी। खाकसार मजबूर था जाने के लिए हुजूर। और हम भी मजबूर थे दर्द जुदाई सहने के लिए। खाकसार की गलती माफ की जाए। खुसरो ये तुम्हारा पहला सफर था और हमारे लिए पहली जुदाई। जी जो कुछ तुम पर गुजरी उस अजियत का अंदाजा लगा सकते हैं हम। और हमें भी मालूम हो गया कि खुसरो की कुर्बत हमारे लिए कितनी जरूरी है। बेशक हुजूर का करम फकीर पर बेहिसाब है। हुजूर को खुसरो एक लम्हे के लिए भी नहीं भूला। तुम्हारी जुदाई में सिर्फ हम ही उदास नहीं थे खुसरो, सारी खानकाह शहरे खामोशा बन गई थी। सब कलंदर सारी मस्तानियां जो हमा वक्त हंगामा करते रहते थे खामोश हो गए थे। और छम्मों ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। बहुत याद करती थी तुम्हें खुसरो। और इसी जुदाई के आलम में खाकसार को शहजादे बुगरा खां की शान में कसीदे लिखना पड़ते थे हुजूर। अच्छा। बंगाल के समुंदर की ठंडी हवाएं भी जुदाई की आग को बुझा ना सकी हुजूर। महफिलों में दर्दे दिल छुपाकर शमा की तरह जलता और पिघलता रहा हुजूर। हुजूर के खत की वजह से रिहाई नसीब हुई और सुल्तान बलबन अपने लश्कर के साथ दिल्ली ले आए। ये 500,000 रुपया हुजूर की नजर हैं। शहजादे ने फकीर को इनाम में दिए थे हुजूर। खुसरो जी हुजूर इस दौलत ने ही तुमको अपनों से जुदा किया था। हाँ हुजूर। हम गोशा नशीनों के किस काम की है ये दौलत। ये तो हमारे लिए आग है आग। माँ और बीवी बच्चों के खर्च के लिए रखो। जाओ अब मस्तानियों और कलंदरों से भी मिल लो। सब बाहर खड़े तुम्हारी राह देख रहे हैं। जो हुक्म हुजूर।
खुसरो रैन सुहाग की। अभी आपने नफीस सिद्दीकी के लिखे इस धारावाहिक की सातवीं कड़ी सुनी। भाग लेने वाले कलाकार थे खुसरो की भूमिका में सैयद सिराज अली, माँ दौलतनाज की भूमिका में सरिता लाल, निजामुद्दीन की भूमिका में सैयद मोहम्मद आदिल, छम्मो की भूमिका में बेबी अंजुम, सतीश जोजफ थे कुशली खां की भूमिका में और कलंदर की भूमिका निभा रहे थे मुमताज बरनी। सूत्रधार थे सुरेंद्र राजेश्वरी। सह प्रस्तुति असीम सक्सेना और सुरेंद्र राजेश्वरी की थी और इस धारावाहिक की प्रस्तुतकर्ता थी मनदीप कौर।